सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा पहली की हिंदी फर्स्ट का पाठ दसवां र के रूप पढ़ेंगे। इससे पहले अपन ने मात्राओं का ज्ञान कर लिया था। इसमें अपन ने खट्टे अंगूर वाली कहानी भी पढ़ी थी, जिसमें लोमड़ी रहती है, उसको अंगूर प्राप्त नहीं होते तो वह अंगूरों को खट्टा बताती है, जिसमें वह अपनी असफलता को तो नहीं बताती है, बल्कि अंगूर खट्टे हैं ऐसा करके वह चली जाती है। तो आशा है सबको खट्टे अंगूर वाली कहानी पसंद आई होगी। इसके आगे अपन र के रूप पढ़ेंगे। र के रूप में बच्चों आपने सुना होगा कि शब्द रहते तो शब्द में या तो र आधा रहता है या ऊपर की तरफ कुछ मात्रा है, जैसा रेफ जैसा रहता है तो उसको कैसे पढ़ा जाता है। र आधा रहता है तो भी, या र के बाद कोई आधा वर्ण, या र पूरा रहता है और बाद में कोई आधा अक्षर आता है तो किस तरह से इसका र का प्रयोग करते हैं। तो र के प्रयोग चार प्रकार से है। पहले अपन ने र के उ की मात्रा और छोटे उ की और बड़े उ की मात्रा तो अपन ने पढ़ ली थी कि र के छोटे उ की और बड़े उ की मात्रा पीछे की तरफ लगती है। ताशा है र के वो तो इन दोनों रूप मात्राओं के तो दोनों रूप आपको पता चल गए होंगे। अब र जो र है इसे र अपन लिखते हैं। तो र से बने वर्ण कौन कौन से रहते, र से बने शब्द, र से कौन से शब्द बनते हैं तो वो तो अपने को पता है। जैसे रथ है, रथ शब्द बना। उसके अलावा अपने अनार बनता है, खजूर बनता है तो वो शब्द र से बनते हैं। अनार, ये र बना अनार। खजूर, इसमें भी र है, ये रहा, इसमें भी र, ये रहा, इसमें भी र। तो र जैसा पूरा र वर्ण है उसके तो ऐसे वर्ण ये जो शब्द बनते हैं। उसके अलावा दूसरे मैं बताती हूँ आपको कि र आधा हो यानी कि रेफ हो, र का ये रूप, र आधा हो तो ऐसा रूप बनता है, रेफ वाला रूप। तो ऐसा भी रूप आपने देखा होगी कि र जो आधा रहता है और उसके बाद पूरा अक्षर आता है। जैसे अपन बर्फ पढ़ते हैं, बर्फ, तो ये कैसे बनता है, जिसे ब तो पूरा है, फिर र आधा होता है और फ पूरा होता है, तो इस र आधे को आधा न लिख कर इसको यहाँ पे ऊपर चला जाता है। र ये आधा न लिख कर यहाँ पर इस र को मिटा कर ये र पूरा इधर चला जाता है तो ये बर्फ बनता है। इसी तरह सर्प बनते, सर्प लिखते हैं अपन, सर्प, सांप को सर्प बोलते हैं तो इसमें स तो पूरा रहता है फिर र आधा रहता है, ये र आधा ऊपर चला जाता है तो वो र यहाँ पे पहले आ जाता है और प पूरा है तो ये आधा यहाँ पर न लिख कर अपन पूरा यहाँ पे ये ऊपर लिख देते, ऊपर र की रकार निकाल देते हैं, रेफ निकाल देते हैं तो वह आधा अक्षर ऊपर आ जाता है। तो ऐसे ऐसे इस रेफ वाले, इस र आधा रहता है जो, उसकी इसको क्या बोलते हैं, रेफ, रेफ वाले कि कौन कौन से शब्द अपने को पता है वो ज्ञात करने वाले। तो कि ऐसे कौन से शब्द है जिसमें रेफ लगा हुआ है, जैसे सूर्य बोलते हैं अपन, सूर्य, कर्ण, पर्व, नाम रहते हैं किसी के, जैसे अपन ने बर्फ तो लिख दिया, यहाँ पे बर्फ लिख दिया अपन ने, सूर्य लिखते हैं तो सूर्य में भी ये ऊपर रेफ लगा, कर्ण लिखते हैं तो इसमें भी ये रेफ लगा, पर्व किसी का नाम रहता है या त्योहारों को भी पर्व बोलते हैं तो पर्व में भी रेफ निकलता है। जैसे अपन रास्ते में जाते हैं तो मार्ग बोलते हैं उसको तो मार्ग में भी रेफ रहता है। तो ये ऐसे शब्द रहते हैं जो रेफ से, जो आधा और र रहता है उससे बनते हैं रेफ वर्ण के, लगते हैं बर्फ, सूर्य, कर्ण, पर्व, मार्ग। इसी तरह एक र रहता है जो नीचे लगता है तो नीचे कौन कौन से र लगते हैं वो बताने, अब कि र पूरा रहता है ऐसा लगता है, इसमें र तो पूरा रहता है पर उसके बाद वाला या उसके पहले जो वर्ण रहता है वह आधा रहता है। तो जैसे ब्रश, ब्रश, इसमें ब आधा रहता है और र पूरा रहता है, ब आधा और र पूरा, फिर
श भी पूरा है, ब आधा है, ऐसे यहाँ पर नीचे की तरफ लगता है, जो ऐसे वर्ण जिसमें ये डंडा रहता है, ये ध्यान रखना कि जिसमें ऐसा डंडा रहता है उसमें ऐसा रेफ नीचे आ जाता है, ऐसा डंडा रहता है और उसको आधा करना पड़ता है। अगर ऐसा डंडा पूरा को किसी भी वर्ण का क से लगाकर म तक अपन वर्ण जो पढ़ते हैं, क ख ग घ घ च छ ज ज झ ञ, उसमें जिसमें डंडा बीच में रहता है, जैसे क है तो क में भी डंडा है, यहाँ पर ख में भी डंडा है, ये रहा ग में भी डंडा है, इसी तरह छ अपन देख लेते हैं तो छ में डंडा नहीं रहता, ट देख लेते हैं तो ट में भी डंडा नहीं रहता, तो जिसमें इस जिस वर्ण में यहाँ पर बीच में एक लाइन रहती है खड़ी लाइन, तो उसमें र वर्ण रहता है वो तो पूरा रहता है, और जो डंडे वाला वर्ण रहता है वो आधा अगर करना हो तो उसमें किस प्रकार से लगेंगे ये बता रही मैं आपको। जैसे व है उसमें पूरा पूरी लाइन है और उसको बाधा लिखना है, ये इसको बाधा लिखना है, तो दूसरी जगह तो अपन ब आधा ऐसे लिख देते थे, ब आधा ऐसे लिखते थे, और यहाँ पर ऐसा नहीं लिखकर जैसे ब्लॉक लिखना हो तो ब्लॉक लिखते थे अपन, तो ब आधा और ल पूरा लिख दिया ऐसे, ओ आधा तो प्यास, ये तो अपन ये संयुक्त व्यंजन और उसमें पढ़ लिया था द्वित व्यंजन, संयुक्त व्यंजन के द्वित व्यंजन में भी डबल डबल आते हैं, और संयुक्त व्यंजन तो कौन कौन से होते हैं तो वो अपन ने पढ़ लिए थे, तो इसमें तो ये ऐसे लगते हैं, पर अगर र आ जाए इसमें तो ये ऐसे लग जाते हैं, पर अगर र आ जाता है तो कैसे करते हैं इसको, र में ऐसे आधा अक्षर नहीं ले सकते अपन, तो इसमें र में कैसे लिखेंगे, तो ये ब है तो ये ब तो पूरा लिखेंगे और इसके आगे ऐसा रेफ कर देंगे, तो इसका मतलब र पूरा है, इसका अर्थ क्या हुआ, र पूरा है और ब आधा है, इसमें ब पूरा दिख रहा है पर ब पूरा है नहीं, तो इसको ब आधा लिखते हैं, और ब्रश ब्रश। इसी तरह अपन ग्रह लिखते हैं, ग्रह, इसी तरह अपन लिखते हैं समुद्र, लिखते हैं समुद्र, प्रथम, प्रकाश, क्रम, ये शब्द हैं जिनमें ये र लगा रहता है तो यहाँ पर नीचे लगता है, इसमें र पूरा रहता है और पहला जो आगे का वर्ण रहता है वह आधा रहता है, इसमें क आधा है और र पूरा है, इसमें ब आधा है और र पूरा है, इसमें ग आधा है और र पूरा है, द्र में द आधा है और र पूरा है, प में भी प आधा है और र पूरा है, प्र में प्रकाश में भी प आधा है और र पूरा है, तो इस तरह से ऐसी लाइन वाले जो वर्ण जो र है र पूरा है जिसमें और वर्ण आधे आते हैं पहले, तो इनको कैसे लिखते हैं और इनसे बनने वाले कौन कौन से शब्द हैं, तो ब्रश, ग्रह, समुद्र, प्रथम, प्रकाश और क्रम हो गए। इस तरह आपके आता है एक र पद में र पूरा आता है और पर नीचे ऐसा आता है, आपने देखा होगा कि ऐसा नीचे आता है, तो इनको कैसे लिखते हैं अपन वो देखते हैं। जैसे आपने ट्रक लिखा, ट्रक ट्रक, तो इसमें भी ट आधा है, ये पूरे र है देख लेना, और ये आधा लिखा, आधा ऊपर जाएगा और पूरे वाले हैं वो नीचे जा रहे हैं, ये ध्यान रखना, आधा है वो ऊपर जा रहा है और पूरे हैं वो नीचे आ रहे हैं, पूरे हैं वो नीचे आ रहे हैं, कब नीचे आ रहे हैं, जब उसके पहले कोई आधा वर्ण आ जाता है, कोई आधा वर्ण पहले आ जाता है, आधा अक्षर पहले आ जाता है तो ये वर्ण है वह नीचे चले जाते हैं, र वर्ण के पहले अगर कोई आधा अक्षर आ जाता है तो र है वो नीचे चला जाता है, अगर र आधा हो किसी के पहले तो ऊपर चला जाता है बाद वाले के। इसमें ट आधा है, मैंने बताया था कि अगर शीरो यानी कि ये लाइन होती तो ऐसे रहता, अगर लाइन नहीं हो तो कैसे रहता है, देखो ये अब ट में तो आधी लाइन नहीं है तो अपन लिखते हैं कि ट आधा होता तो अपन ट आधा ऐसे लिखते हैं, ट आधा अपन ऐसे लिखते हैं ना, वर्ण विच्छेद करते हैं तो ट को ऐसे लिखते हैं,
एक नीचे लाइन खींच देते हैं तो वह आधा अक्षर कहलाता है। तो अब पहले वाली लाइन इधर खींच दी तो ट्र, ऐसे आधे जो अर्ध गोलाकार आकृति वाले जो वर्ण रहते हैं उसमें ऐसा निशान लगता है, क्योंकि ये पहले वाला इधर वाला है वो तो अपने आधा अक्षर वाला, और ये वाला है वो इधर चला जाता है, तो ट्रक बनता है, ट्रक है। इसी तरह ड्रम बनता है, ड्रम बनता है, ट्रेन बनता है, ट्रेन, राष्ट्रीय, राष्ट्र, राष्ट्र, ड्रामा, ड्रामा है, ड्रम हो गया, ड्रामा हो गया, ट्रेन हो गया। तो ये शब्द हैं, वह इस र पूरा वर्ण है, और इसमें र कौन सा, इसके पहले कौन से कैसे वर्ण आते हैं जो अर्ध गोलाकार के रहते हैं, अर्ध आकृति के, यानी कि उसमें रेखा नहीं रहती है। वैसे में अपन किस तरह का चिन्ह लगाएंगे, ये ऐसा चिन्ह लगाएंगे, र जो इसमें शिरो यानी कि रेखा रहती है, यानी कि बीच में लाइन रहती है, तो उसमें र पूरा हो तो वह ऐसे लगता है, और आधा अक्षर पूरा लिख के उसके नीचे ऐसे ऐसा निशान लगा देंगे तो वह आधा वर्ण है वह, और र पूरा यहाँ पर दिख जाता है। तो ये बात समझ में आ गई आपको कि किस तरह से र के ये तीन रूप हैं, तीन रूप अपन ने लिख लिए, और चौथा तो जो पूर्ण र है इसी जिसमें कोई भी आधा अक्षर न तो जुड़ा है न किसी आधे अक्षर में र जुड़ा है, इसमें तो क्या हुआ है आधा र, आधा र जुड़ा है, और इनमें क्या हुआ है र में आधा अक्षर, अक्षर या वर्ण जुड़ा है, इसमें तो आधा जुड़ा है, और ये र आधे जो आधा र है वह जुड़ा है, इसमें र तो पूरा है पर इसमें आधा अक्षर जुड़ा है, तो दोनों में आधा अक्षर जुड़े हुए इन दोनों में, तो इन दोनों में यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, ये दोनों में जैसा ही है कि आधा र है, आधा वर्ण है वह र में जुड़ा है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब एक छोटी सी आपके जो कविता है वो पढ़ लेना कि वर्षा रानी आओ तुम, रिमझिम जल बरसाओ तुम, तुम आओ तब सूर्य जाए, मार्ग ग्राम सब मुस्काए, फसलें हिल हिल कर लहराए, बालक हिल मिल नाव बनाए, वर्षा ऋतु वर्षा की लगती प्यारी, झूम उठे सब क्यारी क्यारी। ये जो कविता है वो आपको याद करनी है, ये पूरी कविता आपको याद करनी है, जिसमें वर्षा है तो वर्षा में भी र ऊपर लगा है तो कौन सा है आधा र है, और नीचे नीचे जो लगे हैं वो पूरे लगे हैं। वर्षा रानी आओ तुम, रिमझिम जल बरसाओ तुम, तुम आओ तब सूर्य जाए, मार्ग ग्राम सब मुस्काए, फसलें हिल हिल कर लहराए, बालक हिल मिल नाव बनाए, वर्षा ऋतु वर्षा की लगती प्यारी, झूम उठे सब क्यारी क्यारी। ये कविता आपको याद करनी है। अब इसके पीछे अभ्यास प्रश्न है, तो अभ्यास प्रश्न में आप देखेंगे कि वर्षा रानी कैसे जल बरसाओ, तो कैसे जल बरसाती है, तो अभी कविता में पढ़ा था तो रिमझिम। फसलें कैसे लहरा रही है, तो फसलें कैसे लहरा रही थी हिलमिल हिल हिल कर। बालक वर्षा में क्या बनाते हैं, तो बालक वर्षा में क्या बनाते हैं नाव बनाते हैं। अब दूसरा प्रश्न, इसमें सही वाक्य पर ऐसा चित्र बनाना है, स्माइली फेस जहाँ पे सही हो वहाँ पे ऐसा यहाँ पे कॉलम दे रखे वहाँ पे बनाना है। तो वर्षा आने पर सूर्य चला जाता है, हाँ चला जाता है तो सही है, तो बना दिया। वर्षा आने से, वर्षा से खेत लहलहाते हैं, तो हाँ लहलहाते हैं। इसी तरह बालक वर्षा में एरोप्लेन तो बनाते नहीं है, हवाई जहाज तो नहीं बनाते, तो इसने छोड़ देना खाली। अब बालक नाव बनाते हैं, तो बहाते हैं, तो बहाते हैं, तो हाँ लिख दिया। अब इसी तरह बारिश में जिन चीजों की जरूरत रहती है उन पर सही का निशान लगाना है, तो छाता की जरूरत रहती है बारिश के दिनों में, इसी तरह बारिश में बच्चे नाव बनाते हैं और तैराते हैं पानी में, चाय पीना अच्छी बात नहीं होती है, तो ये गलत हो गया। इसी तरह रेनकोट है, तो रेनकोट की जरूरत रहती है अपने को, स्वेटर बारिश के दिनों अपन नहीं पहनते, रेनकोट पहनते हैं, तो ये आपको अंदर कॉपी बुक के अंदर फिल कर देना है, और कॉपी में क्या लिखना है उसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। धन्यवाद।